कुश्ती के जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक साल बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, अभी तुरंत हम लोग नेशनल की घोषणा करेंगे अंडर 14 और जूनियर के बच्चों की, और कुश्ती के लिए जो भी काम करना है वो काम करेंगे। अच्छा, दबदबा तो है, इस तरीके के पोस्टर भी लगे हैं इस आवाज के बाहर, इसका क्या तो मतलब दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। अध्यक्ष बन चुके हैं तो आगे आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से इसको आगे बढ़ाने का? रुके हुए टूर्नामेंट को तुरंत स्टार्ट कराना, जिन बच्चों का साल नुकसान हो रहा था 31 दिसंबर के अंदर उसको नेशनल को करा के खत्म करना, और आगे कुश्ती के लिए जो भी करना है कुश्ती के लिए करना, खेल को आगे बढ़ाना। अकला सिंह जी का कितना योगदान है, किस तरीके से? सब योगदान उन्हीं का है, कुश्ती के लिए वो जीते हैं, कुश्ती के लिए वो मरते हैं, 12 साल उन्होंने कुश्ती के लिए अपना सब कुछ वो किया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। आप कागज से मिटा सकते अध्यक्ष उनका नाम, पहलवानों के दिल से अध्यक्ष का नाम नहीं मिटा सकते। संजय भैया क्या लेके चले? संजय से वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका निराकरण करेगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो सतर्कता बरतेंगे, उसमें पूछना क्या है, झूठा राजनीतिक आरोप था। अब बाकी हम लोग को कुश्ती को आगे बढ़ाना है, कुश्ती को करना है बस। बच्चों को है कि ये जो सब चीजें सिलसिलेवार चली तो इसने क्या कुश्ती को बहुत पीछे छोड़ दिया है? कुश्ती पीछे गई है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, रात दिन मेहनत करके कवर कर लेंगे नेताजी के नेतृत्व में। ये पहलवानों की जीत है, अब जो रुकी हुई कुश्तियां हैं कुश्ती को आगे करेंगे। ओलंपिक ईयर है, आगे हम लोग ओलंपिक की तैयारी कराएंगे, क्वालिफाइंग में बच्चों को तैयार करना है, यही बस संदेश है। जीत का श्रेय बृजभूषण शरण सिंह और देश के पहलवानों को। आज मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? आपने लिखा है दबदबा कायम है, वो भगवान ने दे रखा है, वो हमने नहीं कायम किया, वो भगवान का दिया हुआ दबदबा। आरोप चल रहे हैं, जो आरोप लगे थे, रुक जाइए सिंह जी बोले, आरोप सब निराधार है, वो कोर्ट निर्धारित कर देगा। उसको कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट उसको निर्धारित कर देगा। उसको किस रूप में आप देखते हैं, क्या है पहली प्रक्रिया आपकी? ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो नौजवान लड़के और लड़कियां इस क्षेत्र में कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको इस जीत के बाद क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश मिल गया, आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए, और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, है? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को, और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी पीआईएल सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था, और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई, और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। सांसद जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से कुश्ती जो है वो पहले पहचानी नहीं जाती थी, लेकिन जब से आपके हाथ में कमान आई थी कुश्ती एक नई ऊंचाइयों पर गई,
लेकिन जिस तरह से बीच में ये पूरा प्रकरण सामने आया, कुश्ती बहुत नीचे जा चुकी है, आने वाले समय में नहीं, क्या कुश्ती कितने और ऊपर जा? देखिए, 11 महीने का कुश्ती पर ग्रहण लगा था, आज ये ग्रहण 11 महीने 2-3 दिन के बाद समाप्त हो गया। और कुश्ती ऊंचाई पर गई थी तो पहलवानों के बदौलत गई थी, पहलवान थोड़ा सा हतोत्साहित थे, लेकिन वो पहलवान करंट में आने में उनको देर नहीं लगेगा और 10 दिन के अंदर माहौल जो है कुश्ती का फिर बदल जाएगा और फिर हम ओलंपिक में वही प्रदर्शन करेंगे जो देश हमसे चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जीत के लिए? कहा क्या सिंगल हम भी करेंगे तो फाइट तो करेंगे ना। क्या प्रश्न है आपका? जीत का श्रेय, जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। अध्यक्ष तो चेंज हो गया जी, तो अब आगे कैसे काम करेगा फेडरेशन? अब नए अध्यक्ष करेंगे जी, अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधि रुक गई थी उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे जी, और जो तमाम आरोप लग रहे थे सर, वो न्यायपालिका में विचाराधीन है हमारे साथ बातचीत।